हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज के वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा साउंड क्वालिटी पैम 8610 की और टीपीए 3110 की। दोनों को हम सेम टाइप के दोनों स्पीकर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, सेम इनपुट के लिए सेम टाइप का ऑडियो इनपुट भी देंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज वगैरह सब कुछ सेम तरीके से कंपेयर करेंगे ताकि फेयर दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले अगर आपको मैं पैम 8610 के बारे में बता दूं तो ये एक जो है 15 वॉट प्लस 15 वॉट का एक टू चैनल का स्टीरियो ऑडियो पावर एम्पलीफायर है। अगर मैं आपको इसको पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे पास जाके देखें तो आप यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग कर रखी होती है जो इसकी चिप का नेम है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो एक साइड जो है आपको जो है इनपुट में यहाँ पे लगाने होते हैं तीन, तो लेफ्ट चैनल, राइट चैनल और बीच में कॉमन ग्राउंड। इस तरफ से आपको जो है स्पीकर की दो आउटपुट मिल जाएंगी, एक तरफ लेफ्ट के एल माइनस और एल प्लस मिल जाएंगे और एक साइड राइट स्पीकर लगाने के लिए आर माइनस आर प्लस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है 12 वोल्ट प्लस लिख रखा है और ग्राउंड कनेक्शन यहाँ पे लगाना होता है, पावर सप्लाई यहाँ से आती है और यहाँ पे एक स्विच लगाने का ऑप्शन होता है जो कि अगर यहाँ पे आप स्विच लगा दें तो आप उससे म्यूट कर सकते हैं साउंड को। इसके बाद अगर आपको दूसरा टीपीए 3110 दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें जो है दोनों स्पीकर की आउटपुट निकालने का आर माइनस प्लस और एल माइनस प्लस जो है एक तरफ स्पीकर की आउटपुट निकलती है, इनपुट जो हमें स्पीकर की देनी है वो आर ग्राउंड और एल इस तरफ है, ऊपर की तरफ है। यहाँ पे इनपुट देने के लिए यहाँ पे लिख रखा है कि आपको डीसी वोल्ट जो है वो आप 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेटर्स में दिया है। तो दोनों ही इन दोनों एम्पलीफायर में ये फर्क है। अगर आपको मैं एक नटशेल में बताऊं तो इस वाले में जो है आपको पैम 84 में जो है म्यूट का स्विच लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, टीपीए 3110 में आपको जो है एक एलईडी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है और उसकी वोल्टेज रेंज जो है वो 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक लगा सकते हैं, जबकि इसमें 12 वोल्ट है। मगर अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह में देखेंगे तो वहां पर पता रखा है आप इसे 7 वोल्ट से 15 वोल्ट तक भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट में ये दोनों जो एम्पलीफायर है अगर आप ऑफलाइन देखें ऑनलाइन देखें दोनों ही लगभग जो है आपको सेम ऑलमोस्ट प्राइस में मिल जाते हैं। इनकी प्राइस 100 से 130 रुपीस के बीच जो है वो वेरी होती रहती है, डिफरेंट वेबसाइट ऑनलाइन ऑफलाइन जो है इनका प्राइस जो है इसी रेंज के बीच में रहता है और दोनों एक दूसरे जो है बिल्कुल कॉम्पिटेटिव हैं। दोनों ही 15 वॉट आउटपुट देते हैं, दोनों ही स्टीरियो चैनल टू आउटपुट्स देते हैं, तो इसीलिए ये फेयर रहेगा कि मैं अगर जब इनको कंपेयर करूं तो इनको सेम तरीके की, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया, मैं सेम कॉन्फिग्रेशन से इसे बिल्कुल कनेक्ट करूंगा, सेम इसको इनपुट दूंगा, सेम इसमें सारा का सारा आउटपुट स्पीकर वगैरह लगाऊंगा। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी आउटपुट 15 वॉट प्लस 15 वॉट है, मगर मैं इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, कनेक्ट करके लगाऊंगा अपने पाइनियर के स्पीकर से जो कि 4 ओम 80 वॉट के हैं। इस दोनों एम्पलीफायर को मैं साउंड इनपुट जो है अपने इस ब्लूटूथ वाले मॉड्यूल से देने वाला हूं जिसको मैंने जो है अपने एक पावर मॉड्यूल से लगा दिया है। तो यहाँ पे जो है ये 5 वोल्ट 1 एम्पेयर आउटपुट देता है, उसके थ्रू इसे कनेक्ट कर दिया है पीछे यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट पे। और यहाँ पे हम बारी बारी जब इसे टेस्ट करेंगे तो बारी बारी में दोनों के एम्पलीफायर के इनपुट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। इसमें मैंने साथ ही में यहाँ पे जो है कुछ यूट्यूब म्यूजिक के जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे गाने टीएफ कार्ड में लोड कर दिए हैं, तो उसको हमें सेम कॉन्फिग्रेशन के गाने मेरे को यहाँ पे दोनों में प्ले करूंगा। मैं कोई स्पेशल अलग से गाने नहीं चला सकता, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा। और टेस्टिंग के टाइम पे जो है मैं स्पीकर की जो कनेक्टिविटी है वो मैं इजीली बार बार चेंज कर सकूं, तो इसलिए मैंने जो है दो डबल चैनल के जो है इस तरीके के ऑडियो जैक ले लिए हैं जिसमें मैं इसके जो है लेफ्ट और राइट चैनल के शोल्डर पहले ही बना दूंगा। तो होप आपको समझ आ गया किस तरीके से सारे के सारे कनेक्शन रहने वाले हैं। अब जल्दी से पहले मैं पूरा इसका कनेक्शन शोल्डर वगैरह करके बना देता हूं और पूरा सेटअप लगा देता हूं ताकि हम इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर सके। तो दोनों के दोनों एम्पलीफायर के कनेक्शन मैंने पूरे बना दिए हैं, शोल्डर करके लगा दिए हैं, ऑडियो जैक भी लगा दिए हैं और इस साइड से जो है हम इसे कनेक्ट करेंगे अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल में जो सामने रखा है। और इस तरीके से कनेक्शन पूरे, तो सबसे पहले हम जल्दी से कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूं टीपीए 3110 और इसकी ऑडियो क्वालिटी पहले टेस्ट कर लेते हैं। इसको पावर अप करने के लिए दोनों को जो है जैसे मैंने आपको बताया मैं इक्वल दोनों को अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई दूंगा, तो इस पर्पज के लिए मैं यूज करने वाला हूं अपना रेजोनेट राउटर यूपीएस जो कि है 12 वोल्ट 2 एम्प का, इससे मैं इसे पावर अप करूंगा। तो टीपीए 3110 को मैंने कर दिया है पावर ऑन। आप देख सकते हैं मैंने नॉइस से बचाने के लिए दोनों को अलग अलग डेडिकेटेड सप्लाई दी है। आपको भी रेकमेंड करूंगा आप कभी भी कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो एम्पलीफायर को हमेशा एक डिफरेंट पावर सोर्स से रन करें और जो भी ब्लूटूथ मॉड्यूल हो उसको डिफरेंट सप्लाई दें। तो जल्दी से इसको मैं प्ले करके अब आपको सुनाता हूं। I don't wanna let myself down. I don't wanna let myself down.
अब मैंने नेक्स्ट कनेक्ट कर दिया पैम 8610 को, इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। पिछले वाले को जब मैंने कनेक्ट किया था उसको मैंने फुल वॉल्यूम U50 पे चलाया था, को भी एक बार सुनते हैं कितनी इसकी जो है साउंड क्वालिटी कैसी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों के दोनों एम्पलीफायर्स की जो है साउंड क्वालिटी टेस्ट करा दी है। अगर आप मेरे से मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं वो एक रिकॉर्डेड वॉइस सुन रहे हैं मगर मैं इसको लाइव सुन रहा हूं, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि दोनों एम्पलीफायर्स में से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किसने किया, तो मैं बोलूंगा 8610 की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। हालांकि मैंने इसे, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों को पावर सोर्सेस को मैंने 12V 2A से लगाया था, मगर इस एम्पलीफायर को 50 पे रखने के बाद ये दोनों के दोनों स्पीकर जो है मूव करने लग पड़े, शेक करने लग पड़े, और साथ साथ में ये मेरे को फील हुआ कि ये अंडर पावर है। इस स्पैम 8610 एम्पलीफायर के लिए 12V 2A भी कम है, इसको लगभग 3A की इनपुट पावर सप्लाई एम्पलीफायर को सेपरेटली चाहिए। तो पैम 8610 जो है ज्यादा अच्छी क्वालिटी और ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है कंपेरिजन TPA 33110। हालांकि TPA 3110 भी कोई इतनी बुरी नहीं है, उसका भी जो है परफॉर्मेंस काफी बैलेंस्ड है, काफी अच्छी है। तो दोनों की साउंड क्वालिटी अच्छी है, मगर मेरे ओपिनियन में पैम 8610 ज्यादा बेहतरीन है। तो होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर करने का ट्राई करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।